हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से। मध्य प्रदेश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल इस समिति में शामिल नहीं होता। अब हम बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग की। मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री व विपक्ष का नेता शामिल होता है। प्रश्न क्रमांक दो, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथनों का चयन कीजिए। कथन एक, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों यह कथन गलत है क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन नंबर दो, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर तीन, इसके अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो दोस्तों यह कथन भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हैं। अब हम फिर से बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चार, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ। तो दोस्तों JS वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले ऑप्शन नंबर बी में हुआ था। इनका जन्म 1933 में सतना जिले में हुआ था। यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। प्रश्न क्रमांक पाँच, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना होती है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की। दोस्तों इसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुई। इसका मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में है एवं इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं राजकिशोर स्वाई। प्रश्न क्रमांक छः, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 18(3) के आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 27 अक्टूबर 1956 को जारी कर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 में वर्णित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कब की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
27 अक्टूबर 1956 को लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, भाग 14 के तहत। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई थी। दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, यह कथन गलत है। इसके प्रथम अध्यक्ष डी वी रेगे थे। दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। दोस्तों, एमपीपीएससी की प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई थी। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम उम्र 62 वर्ष तक होती है एवं प्रथम अध्यक्ष थे डी वी रेगे जी। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए काशी प्रसाद पांडे जी मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सामायिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर थे काशी प्रसाद पांडे जी, दूसरे नंबर पर रत्नाकर झा, तृतीय अर्जुन सिंह, चतुर्थ रघुनाथ सिंह। दोस्तों, 15वीं विधानसभा में दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में राज्यपाल एवं उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्यों की। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं श्री राम प्रसाद गुप्त जी से, यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं श्री राम नरेश यादव जी पर, यह भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर बलराम जाखड़, यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री भगवत दयाल शर्मा, यह हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं ऑप्शन नंबर ए बलराम जाखड़ जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने के साथ साथ पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी सुशोभित कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पहला गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए एस एन सिन्हा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। श्री सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। श्री पट्टाभी सीतारमैया या बी पट्टाभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल और सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। श्री हरि विनायक पाटस्कर सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। श्री केसी रेड्डी मैसूर कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में रहे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भाई महावीर का जन्म लाहौर में हुआ था। अब हम बात करते हैं श्री के एम चांडी जी की, ये भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे। श्रीमती सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। कुंवर महमूद अली खां तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रही हैं। डॉक्टर भाई महावीर, दोस्तों इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 15,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति एस के झा, यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। इसके अलावा आर वी रविंद्रन, ए के पटनायक एवं ए के माथुर, ये तीनों व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों की जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी की, फिर न्यायमूर्ति ए के पटनायक जी की, फिर न्यायमूर्ति आर वी रविचंद्रन, फिर न्यायमूर्ति ए के माथुर, फिर न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोगड़े एवं अंत में न्यायमूर्ति जे एस वर्मा जी। यह ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो रहे ही हैं, साथ में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का पद को भी सुशोभित किया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी हेतु स्थानों में आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 243(t)(1). नगर पालिकाओं से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो 243(q) नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, 243(r) नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है, 243(s) वार्ड समितियों का गठन व संरचना से संबंधित है, 243(t) सीटों को आरक्षण को लेकर है, 243(u) नगर पालिकाओं की कार्यकाल को लेकर है, 243(w) नगर पालिका की शक्तियों को लेकर है, 243(za) नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है एवं 243(zd) जिला आयोजन समितियों से संबंधित है। दोस्तों यदि आपको MPGK को याद करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको आगे आने वाले छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ट्रिक्स बनाकर इन सारे तथ्यों को याद कराने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि ट्रिक्स वगैरह भी कुछ होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आसान तरीके से सारे तथ्यों को याद करा दिया जाए ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात दिग्विजय सिंह एवं मोतीलाल बोरा जी कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा एवं श्याम चरण शुक्ल जी विपक्ष के नेता रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता प्रतिपक्ष की या विपक्ष के नेता की। श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर यह प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे जो 1956 से 57 के मध्य रहे हैं। श्री चंद्र प्रताप तिवारी यह दूसरे विपक्ष नेता थे जो 57 से 62 तक रहे हैं। इसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी का नंबर आता है, फिर श्री श्यामा चरण शुक्ल, श्रीमती यमुना देवी यह पहली महिला विपक्ष नेता रही हैं, श्री गोपाल भार्गव यह 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं एवं वर्तमान में श्री कमलनाथ जी विपक्ष के नेता के पद पर आसीन हैं। नोट, दिए गए विकल्पों में दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं संभाले हैं कभी। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन है? दोस्तों पहले ही हमने बात करी जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। इस भवन का डिज़ाइन विख्यात वास्तुविद सी कोरिया या चार्ल्स कोरिया ने किया। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को आगा खान अवार्ड
प्राप्त हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो दोस्तों सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय करवाया जाता है एवं चौथे नंबर पर निधन संबंधी उल्लेख होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही का क्रम। दोस्तों सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, फिर राष्ट्रपति का राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय करवाया जाता है, इसके उपरांत निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है, इसके बाद आता है महत्वपूर्ण प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों जब यह काम हो जाता है उसके बाद विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना दी जाती है। इसके बाद सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा होती है, फिर मंत्रियों द्वारा विधिक वक्तव्य होते हैं या मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य होते हैं, उसके बाद अध्यादेश संबंधी व्याख्या की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम चलता है। प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 22 अगस्त सन 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव जी थे एवं वर्तमान में अरविंद कुमार शुक्ला जी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की। दोस्तों इसमें हमें कथनों पर विचार करना है एवं सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है, यह कथन भी सही है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह होता है। दोस्तों यह कथन गलत है क्योंकि संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर के कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर से संबंधित। दोस्तों इस कथन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अब हम चर्चा करते हैं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के बारे में। दोस्तों इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि हम प्रोटेम स्पीकर के कार्यों की बात करें तो नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, यह सभी प्रमुख कार्य प्रोटेम स्पीकर को करवाने होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की। निम्न में से मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो दोस्तों काशी प्रसाद पांडे जी, तेजलाल टेम्भरे जी, गुलशेर अहमद जी एवं गिरीश गौतम जी, यह चारों व्यक्ति मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न का उत्तर होगा। हम देख सकते हैं पंडित कुंजीलाल दुबे, श्री काशी प्रसाद पांडे, श्री तेजलाल टेम्भरे, श्री गुलशेर अहमद, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, श्री गिरीश गौतम जी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी विक्रम वर्मा कभी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से मध्य प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं? तो दोस्तों अनंत सदाशिव पटवर्धन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, राम किशोर शुक्ल एवं श्री नारायण प्रसाद शुक्ल, यह चारों व्यक्ति इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्रमुख विधानसभा उपाध्यक्षों की मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित। श्री विष्णु विनायक सरवटे, श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन, श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री नारायण प्रसाद शुक्ल एवं सुश्री हिना लिखी राम कांवरे, यह प्रमुख व्यक्ति हैं जो
मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हो चुके हैं। इसी क्रम में अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 26 पर। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी भवन कहा जाता है और यह भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 27। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी भवन। प्रश्न क्रमांक 28। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति व शपथ राज्यपाल द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर डी कैलाश चंद्र जोशी। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों में प्रथम की। प्रथम मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो वे थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर बी सुश्री सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला की यदि हम चर्चा करें तो प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच। प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। प्रथम महिला आईपीएस आशा गोपालन। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? ऑप्शन नंबर डी आशा गोपालन। प्रश्न क्रमांक 34। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए टीएन श्रीवास्तव। दोस्तों प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित जी। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी एवं प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की। मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य सचिव थे? ऑप्शन नंबर डी एचएस कामत। दोस्तों मध्य प्रदेश में अब हम चर्चा करते हैं प्रथम पद व्यक्तित्व की। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे। प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीवी रेंगे। प्रथम मुख्य सचिव एचएस कामत। प्रश्न क्रमांक 36। मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष नेता हैं? ऑप्शन नंबर डी विष्णुनाथ तामस्कर। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम की। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया। प्रथम विपक्ष का नेता विष्णुनाथ तामस्कर। प्रश्न क्रमांक 37। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बल्लभ भवन में मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय स्थित है। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक भवनों की। दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग का भवन पर्यायवास भवन भोपाल में स्थित है। राज्य संचालनालय विंध्याचल भवन भोपाल में है। उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल में है। राज्य सचिवालय भवन बल्लभ भवन को कहते हैं जो कि भोपाल में है।
विधानसभा भवन इंदिरा गांधी भवन भी भोपाल में ही है, एवं राज्य विद्युत मंडल जिसको हम शक्ति भवन के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग किस भवन में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा भवन भोपाल। प्रश्न क्रमांक 39, भोपाल में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बल्लभ भवन। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करते हैं तो दोस्तों कृपया कर अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोस को आप शेयर करें। आप खुद भी हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 40 की। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों की यदि हम बात करें तो श्री रविशंकर शुक्ल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, श्री अर्जुन सिंह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे, श्री श्यामा चरण शुक्ल पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया इनके समय, श्री शिवराज सिंह चौहान ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न क्रमांक 41, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन सिंह। प्रश्न क्रमांक 42, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों की यदि हम बात करें तो श्री राजा नरेश चंद्र सिंह पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे, श्री प्रकाश चंद्र सेठी योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, श्री सुंदरलाल पटवा इनके समय दूसरी और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, श्री बाबूलाल गौर बुलडोजर के नाम से मशहूर थे। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की। मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों इनका जन्म 1918 में भोपाल में हुआ। यह भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री 1952 से 56 तक रहे। 1992 से 97 में भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की। शंकर दयाल शर्मा भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर डी, 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री कब से कब तक थे? हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1952 से 1956 तक। दोस्तों शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं बने? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल शंकर दयाल शर्मा कभी नहीं बने क्योंकि यह मध्य प्रदेश में ही पैदा हुए थे। और दोस्तों राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है किसी भी राज्य का जो उस राज्य में पैदा ना हुआ हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता था। दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल शहर में हुआ। यह पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 1999 में दिल का दौरा पड़ने से हुई। इनकी समाधि दिल्ली में कर्मभूमि में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 47, मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? तो ऑप्शन नंबर सी, कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों इनका जन्म जावरा रतलाम में हुआ था। यह मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं 1957 से 1962। कैलाश नाथ काटजू नेहरू सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे हैं। यह उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 48 की। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संपतिया उइके। यह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख आदिवासी नेता है। यह अगस्त 2017 से राज्यसभा सांसद है। इनका जन्म मंडला जिले में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 49, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त निम्न में से कौन नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, जी एल ओझा जी।
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त कभी भी नहीं रहे। अब हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब तक कुल 6 व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद को सुशोभित कर चुके हैं। पहले थे NB लोहानी, फिर गोपाल शरण शुक्ल, फिर आदित्य विजय सिंह, अजित रायजादा, आर परशुराम एवं छठवें स्थान पर एवं वर्तमान में श्री बसंत प्रताप सिंह। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1995। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम के बारे में। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 243 द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 51 की। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी जिले का प्रभारी मंत्री। अब हम बात करते हैं जिला योजना समिति के बारे में। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। प्रश्न क्रमांक 52। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1968। 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में दो स्थायी खंडपीठ स्थापित की गई। मध्य प्रदेश में तीसरी न्यायालय खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 53 की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों का वितरण यदि हम इनकी बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की 320 सीटें एवं वर्तमान में 230 सीटें हैं। दोस्तों, इन 230 सीटों में से अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के लिए 47 सीटों का रिजर्वेशन है एवं SC अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 54। 2020 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए थे, कौन थे इनमें से? तो दोस्तों, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह एवं दिग्विजय सिंह तीनों व्यक्तियों को राज्यसभा सांसद चुना गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 55। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हेनरी इरविन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार थे। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन की डिज़ाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार की गई। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। प्रश्न क्रमांक 56। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सी गोकुलदास ने। प्रश्न क्रमांक 57। जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ऑप्शन नंबर सी गुना जिले में हुआ। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 58। राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। राज्य मुख्य सचिव के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। भारत के पहले मुख्य सचिव श्री HS कामत थे। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए M. हिदायतुल्ला। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं M. हिदायतुल्ला जी के बारे में। यह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे हैं। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है।
यह भारत के छठवें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। रायपुर में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 60 की। मध्य प्रदेश के किस न्यायाधीश के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला गया है? ऑप्शन नंबर बी एम हिदायतुल्ला। प्रश्न क्रमांक 61, इनमें कौन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी पीवी दीक्षित। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित तथ्यों के बारे में। श्री एम हिदायतुल्ला यह भारत के उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। श्री पीवी दीक्षित यह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल और मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी रह चुके हैं। श्री एन डी ओझा यह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री जी जी सुहानी इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 62 की। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी 1957 में मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नाम से राज्य अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद राज्य की विधानसभा हेतु पहली बार चुनाव सन 1957 में हुए थे। प्रश्न क्रमांक 63, इंदौर में पैदा हुए सबसे लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और फिर इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। 15वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान राज्यसभा सांसद तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। 17 मार्च 1946 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मे पृथ्वीराज नवंबर 2010 से सितंबर 2014 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 64, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए 29। दोस्तों लोकसभा की सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थी एवं वर्तमान में 29 हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 6, अनुसूचित जाति एससी के लिए 4 का आरक्षण है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर बी 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा के लिए 16 थे, वर्तमान में संख्या 11 है। प्रश्न क्रमांक 66, निम्नलिखित में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की यदि हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को राज्य और राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन 1991 में किया गया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्यालय कोरबा छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से एकमात्र सीट अमरवाला विधानसभा क्षेत्र से 2003 में विधायक मनमोहन शाह भट्टी को प्राप्त हुई थी। प्रश्न क्रमांक 67, 2019 लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र में महिला सदस्य निर्वाचित नहीं हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी मंदसौर क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सदस्य निर्वाचित नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में महिला निर्वाचित सांसद 2019 के आम चुनाव में। संध्या राय भिंड से, साध्वी प्रज्ञा से भोपाल से, हिमाद्री से शहडोल से एवं रीता पाठक सीधी से। प्रश्न क्रमांक 68, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती हेमवंत पोर्ते। हम बात करते हैं राज्य महिला आयोग की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 में लाया गया। इसी अधिनियम के तहत 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते थी। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 69, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए 243 आई।
राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 आई में है और वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 70, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1994 में मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 71 की। मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी थीं। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 72 की। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अनुच्छेद 356 के तहत मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन 1977, 1980 एवं 1992 में घोषित किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1977। अनुच्छेद 1956 के तहत मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन 1977, 1980 एवं 1992 में घोषित किया गया। प्रश्न क्रमांक 74, राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों यह प्रोविज़न कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यह 7वें संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रश्न क्रमांक 75, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ भावे। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की। तो यदि हम मध्य प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त की बात करें तो वे थे पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित एवं प्रथम उप लोकायुक्त थे रघुनाथ भावे। वर्तमान लोकायुक्त नरेश गुप्ता जी हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 77 की। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं? हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, नरेश गुप्ता या नरेश कुमार गुप्ता। प्रश्न क्रमांक 78, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे। राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हमें सही कथन का चयन करना है दोस्तों इसमें से। तो यहाँ पर राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह कथन बिल्कुल सही है। एवं राज्य के प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे, दोस्तों यह कथन भी सही है। एवं राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, दोस्तों यह कथन गलत है, क्योंकि राज्य लोक आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1981 में हुई। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित थे। लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष की नेता की सलाह पर की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 79 की। राज्य लोक आयुक्त की योग्यता से संबंधित विचार कीजिए। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, दोस्तों यह कथन सही है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो, यह योग्यता भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर की जाती है। लोकायुक्त की योग्यता की यदि हम बात करें तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। प्रश्न क्रमांक 80, राज्य लोक आयुक्त की जांच के दायरे में कौन शामिल है?
तो दोस्तों मुख्यमंत्री इनकी जांच के दायरे में आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष एवं लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जांच के दायरे से बाहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राज्य लोक आयुक्त की जांच की यदि हम बात करें तो 1982 में संशोधन कर मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इसकी जांच के दायरे से बाहर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 81, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। राज्य महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों यह भी सही है। एवं राज्य महाअधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों यह कथन गलत है, क्योंकि राज्य महाअधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं राज्य महाअधिवक्ता की। दोस्तों अनुच्छेद 165 में राज्य महाअधिवक्ता को वर्णित किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और ये राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में फिक्स उपबंध नहीं किया गया है। प्रश्न क्रमांक 82, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी महाअधिवक्ता। मध्य प्रदेश के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री एम अधिकारी। प्रथम महाअधिवक्ता एम अधिकारी थे एवं वर्तमान महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह, जो कि अक्टूबर 2021 से इस पद पर सुशोभित हैं। प्रश्न क्रमांक 84, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? ऑप्शन नंबर सी जनपद पंचायत। अब हम चर्चा करते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की। यह कार्यक्रम छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में शुरू किया गया। इसके क्रियान्वयन का दायित्व विकासखंड और जनपद पंचायत को सौंपा गया था। प्रश्न क्रमांक 85, पंचायत दर्पण क्या है? भ्रष्टाचारी का भांडाफोड़ करने हेतु पंचायतों को दिया गया दर्पण। सभी पंचायतों को शासन द्वारा प्रदत्त बड़े आकार का दर्पण। पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं पंचायत दर्पण की। पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट या वेब पोर्टल है। यह 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई। प्रश्न क्रमांक 86, पंचायत की योजनाओं से संबंधित पंचायत दर्पण क्या है? ऑप्शन नंबर सी वेब पोर्टल है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे श्री हरिविनायक पाटसकर के बारे में क्या तथ्य सही है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, यह भी सही है। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 88 की। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारमैया थे, यह कथन भी सही है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, यह कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम चर्चा करते हैं राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। न्यूनतम उम्र राज्यपाल की योग्यता 35 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 89, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 90 की।
मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न क्रमांक 91, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी महू। अब हम चर्चा करते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू जिला इंदौर में हुआ था। इन्होंने 1929-30 में नासिक में समता शोषित वर्ग संघ की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। मरणोपरांत 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 92, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई। ऑप्शन नंबर सी 1930। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सही कालक्रम को पहचानिए। दोस्तों, सबसे पहले द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री बने, फिर नरेश चंद्र सिंह, फिर प्रकाश चंद्र सेठी, देन कैलाश चंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, द्वारका प्रसाद मिश्र जी 1963 से 67 तक मुख्यमंत्री रहे। राजा नरेश चंद्र सिंह 1969 में मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर प्रकाश चंद्र सेठी 1972 से 75 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर कैलाश चंद्र जोशी जी 1977 से 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। अब हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। पर ऑप्शन ए दिया गया है, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। गलत ऑप्शन है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। दोस्तों, यह विकल्प भी गलत है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में। दोस्तों, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु इन्हें उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 95, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के समक्ष। प्रश्न क्रमांक 96, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है। ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न क्रमांक 97, भोपाल का बिरला मंदिर मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैलाश नाथ काटजू एवं बिरला मंदिर के बारे में। दोस्तों, बिरला समूह मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू ने शर्त रखी कि उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करना है तो पहले भोपाल की अरेरा हिल्स पर एक भव्य मंदिर बनाना होगा। इस शर्त को बिरला परिवार ने मान लिया। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 98 की, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा सदस्य नहीं रहा है। तो दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू लोकसभा सदस्य रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, अर्जुन सिंह लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं एवं उमा भारती भी लोकसभा सदस्य के रूप में नियुक्त हो चुकी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 99, बी पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक रहा। यह मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 100, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए श्री बीरेंद्र कुमार सकलेचा। दोस्तों, यह उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री शिव भानु सोलंकी भी रह चुके हैं। श्री लाल सिंह आर्य एवं यज्ञदत्त शर्मा उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है।
मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति अब तक मुख्य उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं, जिनमें शामिल है जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री शिव भानु सोलंकी एवं सुभाष यादव। प्रश्न क्रमांक 101, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं? तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्न में से श्री ऋषि कुमार शुक्ला, यह नहीं रहे हैं। श्री एम बी पीटर, यह एमपीपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओम प्रकाश मेहरा भी रह चुके हैं। डीपी खन्ना नहीं रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रमुख अध्यक्षों की। दोस्तों, डी वी रेगे प्रथम अध्यक्ष थे, एच सी सेठ दूसरे अध्यक्ष थे, श्री एम बी पीटर, ओम प्रकाश मेहरा एवं राजेश लाल मेहरा वर्तमान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रमुख अध्यक्ष रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं नोट। ऋषि कुमार शुक्ल एवं डी पी खेतान मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 102 पर। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रह चुके हैं? तो दोस्तों, श्री वी एम शुक्ला एवं श्री बी ए शर्मा, यह व्यक्ति मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रह चुके हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3 बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। बी जी घाटे प्रथम आईजी थे, के एफ रुस्तम द्वितीय थे, श्री बी एम शुक्ला, फिर बी ए शर्मा जी प्रमुख आईजी के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। नोट, नंदन दुबे एवं विवेक जौहरी मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 103, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं? तो दोस्तों, श्री एन डी ओझा इस पद पर कभी नहीं रहे, श्री आर पी नरोन्हा, श्री एम पी श्रीवास्तव एवं श्री आर पी नायक इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 2, 3 एवं 4 सही जवाब है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव की। श्री एच एस कामत प्रथम मुख्य सचिव थे, दूसरे थे आर पी नरोन्हा, इसके बाद अन्य मुख्य सचिव में श्री एम पी श्रीवास्तव, श्री आर पी नायक, श्री इकबाल सिंह बैस वर्तमान का नाम शामिल है। प्रश्न क्रमांक 104, वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने निम्न में से किस भवन को डिज़ाइन किया था? तो दोस्तों, इन्होंने इंदिरा गांधी भवन, भारत भवन, IIFM भवन, पर्यावास भवन, चारों भवनों को डिज़ाइन किया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, चार्ल्स कोरिया 1930 में हैदराबाद में जन्मे प्रमुख वास्तुविद ने मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी भवन, भारत भवन, पर्यावास भवन और IIFM भवन की वास्तुकार्यता की थी। प्रश्न क्रमांक 105, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के 164 अनुच्छेद में वर्णित है, बिल्कुल सही कथन है। मुख्यमंत्री में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, यह कथन भी सही है। मुख्यमंत्री को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। राज्य में मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के 164 अनुच्छेद में वर्णित है। मुख्यमंत्री में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। प्रश्न क्रमांक 106, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 के अंतर्गत 214 से 237 अनुच्छेद तक किया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। दोस्तों, यह कथन गलत है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। दोस्तों, यह कथन भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही इस प्रश्न का सही जवाब है।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान की भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 237 तक किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहायता से करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न क्रमांक 107, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 250,000 रुपये प्रतिमाह मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। अन्य न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो 225,000 रुपये प्रतिमाह एवं राज्यपाल का वेतन 3,500,000 रुपये प्रतिमाह होता है। प्रश्न क्रमांक 108, विधानसभा चुनाव किस पद्धति से होते हैं? तो दोस्तों, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अग्रताही विजेता एवं सार्वभौमिक मताधिकार, यह तीनों प्रणालियां विधानसभा चुनाव में शामिल होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 109 की। राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असंगत तथ्य है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यह विधान परिषद में 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह तथ्य गलत है। राज्यपाल की शक्तियों की यदि हम बात करें तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त होती है। यह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यहाँ विकल्प सी में 1/12 दिया गया था, जो कि पूर्णतः गलत था। यह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 110 की। प्रदेश का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पद एवं त्यागपत्र की। तो दोस्तों, कौन त्यागपत्र देगा एवं किसे देगा, हमें इस बारे में चर्चा करनी है। दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। महाअधिवक्ता त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 111 की। मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता को कौन शपथ दिलवाता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पद एवं शपथ की। महाअधिवक्ता को राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी राज्यपाल शपथ दिलवाता है एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी शपथ राज्यपाल ही दिलवाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 112 की। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। गौ कैबिनेट का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं और किसी भी तरीके से हमारे वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सहायक सिद्ध होते हैं, तो कृपया कर हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक भी ऐड कर दी है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियोस का अपडेट, साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध होगा। एक ज़रूरी सूचना और आपके लिए दोस्तों, परीक्षा धाम पब्लिकेशन मध्य प्रदेश पटवारी के लिए पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन कर चुका है। जल्द ही हम आपके लिए वह पुस्तक भी अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।